हाय वेलकम टू जस्ट मेंज, मैं थोड़ा यंग वीर। एंड सस्पेंस की होता, सस्पेंस वो होता जो थोड़ा दिमाग हिला के रख दे, तुसी ये सोचने में मजबूर हो जाओ ये होया किदा। कुछ ऐदा दा ही मेरे नाल होया जी, जब मैं देखी नेटफ्लिक्स दी नवी मूवी द गर्ल ऑन द ट्रेन। मुझे अपना पास नहीं बदलना, आई वांट टू चेंज माय प्रेजेंट। ट्रेन हैड अ सीक्रेट, आई हैव टू रिमेंबर। इस फिल्म की कहानी बेस्ड है जी पॉला हॉकिंस के नावल द गर्ल ऑन द ट्रेन के उत्ते। और ये की है जी, मीरा नाम की एक कैरेक्टर है जो मिसकैरेज होने तो बाद डिप्रैशन चली जाती है। डिप्रैशन जाने तो बाद डाइवोर्स हो जाता है। एंड रोज़ एक ट्रेन के सफ़र करती है, सफ़र करद्या करद्या रोज़ एक घर दिखता है जिद नुसरत एंड वह हसबेंड रेंदे हैं, तो उसकी नज़र उस घर पर पैंदी है। तो हौली हौली वह नुसरत की लाइफ के इनवॉल्व होना शुरू कर देती है। एंड एक टाइम पर नुसरत की हो जाती है जी डैथ। डैथ तो बाद पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, मीरा भी उस दे विच शामिल होंदी है। तो फिर अगे की कहानी मैं इतों दसी नहीं है जाने। वैसे मैं स्टार्ट गया से ना कि सस्पेंस वो होना चाहिए जिन्हों देख के बंदा हिल जाए। मैं भी हिल गया, मैं भी ये सोच रहा कि क्यों बनाई है, कि लोड़ की सी इहदी। हॉलीवुड इन्नी सोहनी फिल्म बनी हुई है, उहदा रीमेक क्यों। डायरेक्टर रिबू दास गुप्ता ने बहुत कोशिश की थी, पर दास जी ने उदास करता। और परिणीति चोपड़ा बहुत अच्छे एक्टर ने, बहुत अच्छा काम करते हैं, पर कितना कितने फिल्म की एग्जीक्यूशन दे विच थोड़ी बहुत कमी रह गई जो बिल्कुल भी सही नहीं सी। ते मेरे वालों यानी नेटफ्लिक्स की नवी मूवी द गर्ल ऑन द ट्रेन इज टोटली ब्लावती।